हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें इसके टू पार्ट्स गिवन हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 27y³ + 125z³। ओके, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा, x³ + y³ वाला। ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने वेरीफाई कराया था वो एक्चुअली में क्या है, आइडेंटिटी ही है। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x³ + y³ इज इक्वल टू क्या होता है, x² - xy + y²। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें x³ + y³, ये फॉर्म हमें गिवन है, हमें इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो यहाँ पे 27y³ + 125z³ ये हमें गिवन है। तो फर्स्टली हम x का टर्म लिखते हैं, है ना। x क्या होगा यहाँ पे, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इट मीन्स 3y का होल क्यूब हम लिख सकते हैं इसको, 27y³ को। ओके, और यहाँ पे y वाला टर्म क्या होगा, 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पे हम 5z³ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये x³ + y³ ये यहाँ पे लिखा है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली x + y, तो x वाला टर्म कौन सा है, 3y है, एंड y वाला टर्म कौन सा है, 5z है। ओके, तो 5z, देन यहाँ पे x² हमें लिखना है। ओके, तो x क्या है यहाँ पे, 3y है फर्स्ट वाला टर्म। ओके, माइनस x मल्टीप्लाई बाय y, तो x वाला टर्म हो गया 3y, एंड y वाला टर्म क्या हो गया, 5z हो गया। फिर प्लस y² है, y क्या है यहाँ पे, 5z, यानी कि सेकेंड वाला टर्म जो है। ओके, तो 5z का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो वही आंसर आ जाएगा, 3y + 5z, और इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y² माइनस 3 × 5 किया तो 15yz, ओके yz, प्लस y का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25z का स्क्वायर किया तो z², तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। सो दिस इज अ आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 64m³ - 343n³। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x³ - y³ वाली लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी फर्स्टली लिख लेते हैं, x³ - y³ इज इक्वल टू x - y एंड x² + xy + y²। ओके,